तो एडिशन पॉलीमर्स देखते हैं, उनकी कौन कौन सी मोनोमर यूनिट्स हैं। तो यहाँ मैं पॉलीमर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ उसकी मोनोमर यूनिट। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन की मोनोमर यूनिट है, ये मोनोमर यूनिट बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, पॉलीथीन की मोनोमर यूनिट है इथीन। फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद दूसरा है पॉली प्रोपाइलीन। इस नाम से ही पता लग रहा है मोनोमर यूनिट क्या है, प्रोपाइलीन। ये क्या है, देखो अब इथीन से ही डीराइव होते हैं बहुत सारे, इसी में हम थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड, इसका एक हाइड्रोजन हटा लो यहाँ से CH और यहाँ लगा दो CH3। इसको यहाँ मत लिखना, आप यहीं लिखो, क्योंकि हमने क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों साइड से जोड़ना है। ये है पॉलीप्रोपाइलीन। नेक्स्ट पॉलीस्टायरीन। स्टायरीन पढ़ चुके हैं आप क्या होता है, तो इसकी मोनोमर यूनिट स्टायरीन। क्या है स्टायरीन, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन इथीन का हटाओ यहाँ लगा दो बेंजीन रिंग, ये स्टायरीन है। नेक्स्ट है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। PAN शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं, PAN पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, एक्राइलो नाइट्राइल। फार्मूला वही आधार है इसका CH, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ क्या लगा दो CN ग्रुप, तो ये होगा पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। अब जैसे कि नेक्स्ट है इसी में और हो सकता है PVC, PVC को तो हम भूल ही गए थे, पॉली विनाइल क्लोराइड PVC। इसके नाम से पता लग रहा है मोनोमर यूनिट क्या होगी, विनाइल क्लोराइड। विनाइल ग्रुप कौन सा है, एक हाइड्रोजन हटाते हैं यही विनाइल ग्रुप है, इस विनाइल का ही खेल चल रहा है अब तक, यहां लगा दो क्लोरीन, तो क्या होगा विनाइल क्लोराइड। तो ये एडिशन पॉलीमर्स हैं, अभी और हैं बहुत सारे, उनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी से डिराइव हुआ है, जैसे कि सिक्स्थ PTFE पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन PTFE, ये पॉलीमर है, एब्रिवेशन क्या होगी पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। इसकी मोनोमर यूनिट का नाम है TFE, टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। इसमें क्या करना है, जो अपना इथीन था उसमें चार हाइड्रोजन थे CH2, चारों को हटा दो और चारों की जगह क्या लगा दो फ्लोरीन, यानी कि CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये इसकी मोनोमर यूनिट है। पॉलीमराइजेशन तो अब आप किसी का कर ही सकते हैं, कोई बात ही नहीं इसमें, तो जैसे इसी का करना पड़ गया तो क्या करोगे, बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों साइड से जोड़ दो CF2, बॉन्ड तोड़ दिया दोनों साइड से जोड़ के एन टाइम्स कर दो, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, ऐसे करना होता है। नेक्स्ट है पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथाइलीन या इथीन। तो मोनोमर यूनिट का नाम तो लिख ही सकते हो, यहीं से लिखना है, पॉली को हटा दो तो मोनोमर का नाम रह गया मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथाइलीन। इसमें क्या है, ट्राईफ्लोरो मींस फ्लोरीन तीन है,
और एक क्या लगा दिया, क्लोरीन, तो एक की जगह क्या लगा दो, क्लोरीन। नेक्स्ट कौन सा अपना, नेक्स्ट है PMMA, एब्रिवेशन क्या है, पोली मिथाइल मिथ एक्राइलेट, और इसका मोनोमर क्या हो जाएगा, मिथाइल मिथ एक्राइलेट। इसके मोनोमर का नाम है मिथाइल मिथ एक्राइलेट। फार्मूला क्या है, देखो सारे लगभग इथिन से ही चले आ रहे हैं अब तक हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड C। अब की बार दोनों हाइड्रोजन हटा दो, एक की जगह लगा दो CH3 और दूसरे की जगह है COOCH3 एसीटेट। तो इसका जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, PMMA आएगा। इसके अलावा और होता है पॉलीविनाइल एसीटेट, नेक्स्ट है पॉलीविनाइल एसीटेट। मोनोमर यूनिट क्या होगी, विनाइल एसीटेट। विनाइल ग्रुप को आप जानते हो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, एसीटेट क्या है COOCH3। इसके बाद है नेक्स्ट है विनिलाइट, ये पॉलीमर है। विनिलाइट जो है इसमें दो मोनोमर यूनिट है, कौन कौन सी हैं, एक तो है विनाइल एसीटेट प्लस विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड से तो आपकी पुरानी जान पहचान है, क्या है विनाइल एसीटेट CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप है, क्लोराइड सॉरी, ये विनाइल क्लोराइड होगा। और एसीटेट में क्या करोगे, विनाइल ग्रुप तो यही है CH2 डबल बॉन्ड CH, एसीटेट क्या है COOCH3, ये ग्रुप लगा दो। तो ये क्या है, ये है विनिलाइट। फिर नेक्स्ट है नेचुरल रबड़, यानी कि आइसोप्रीन, और आइसोप्रीन क्या है, ये इसका मोनोमर है 2-methyl-butadiene, 2-methyl-butadiene। फार्मूला क्या होगा, देखो ब्यूट का मतलब चार कार्बन, डाई इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो एक यहां रखो एक यहां, क्यों तोड़ने साइड से, 2 के ऊपर क्या रखो मिथाइल, अब जो बच गया हाइड्रोजन लगा लो, 2 इसके साथ, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 2 और 1 3 बॉन्ड इसके बने थे, एक हाइड्रोजन यहाँ 2 यहाँ, ये मोनोमर यूनिट है आइसोप्रीन की। नेक्स्ट है नियोप्रीन, ब्यूना एस ब्यूना एन, 3 और पढ़ते हैं अभी, इसके बाद लगभग सारे जो अपने हैं वो कंप्लीट होते हैं एडिशन पॉलीमर्स। नियोप्रीन, तो नियोप्रीन एक पॉलीमर है और इसकी जो मोनोमर यूनिट है उसका नाम है क्लोरोप्रीन। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अब आपने आइसोप्रीन क्या थी वो नेचुरल रबड़ थी, नियोप्रीन क्या है एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर कौन है क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन क्या है, जहां हमने 2-methyl लगाया था ना भी आइसोप्रीन में, वहां पे मिथाइल को हटा के क्लोरीन लगा दो, यानी कि 2-chloro, क्लोरोप्रीन क्या है 2-chloro-butadiene। वही 4 कार्बन ब्यूट का मतलब डाई इन का मतलब 2 डबल बॉन्ड, और यहां पे क्लोरीन, हाइड्रोजन लगा सकते हैं CH2, ये 4 बॉन्ड पूरे हो गए, ये 3 है H और ये होगा H2। इसके बाद है ब्यूना एस, ब्यू का मतलब तो ब्यूटाडाइन होगा 1,3-butadiene, एस का मतलब है स्टायरीन। अब ये एन ए क्यों है, ये इसलिए क्योंकि सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, वो आगे हम जब रिएक्शन पढ़ेंगे मैकेनिज्म में देखेंगे इनको, तो ब्यूटाडाइन है और स्टायरीन है, तो इसके 2 मोनोमर यूनिट होगी, एक तो है ब्यूटाडाइन, और ब्यूटाडाइन कौन सा 1,3-butadiene, यही ले रहे हैं शुरू से, और दूसरी यूनिट कौन सी है स्टायरीन। 1,3-butadiene क्या है समझ चुके होंगे अब तक आप, ये 1,3
अब हाइड्रोजन लगा दो, सी एच टू एक एच एक और सी एच टू, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है। स्टाइरिन क्या होता है? वही विनाइल ग्रुप, और इसके ऊपर क्या लगा दो? बेंजीन रिंग। ये क्या है? स्टाइरिन, ब्यूना एन है। लास्ट इस श्रेणी में हम पढ़ रहे हैं ब्यूना एन, ये भी एक रबर है। इसकी मोनोमर यूनिट कौन कौन सी हैं? एक तो यही है 1,3-ब्यूटाडाइन, बी यू, इसका मतलब ये 1,3-ब्यूटाडाइन, और नेक्स्ट है एक्राइलोनाइट्राइल, ये इसकी दूसरी यूनिट। तो ये तो वही होगी CH2, CH, CH, CH2, ये 1,3-ब्यूटाडाइन होगा। एक्राइलोनाइट्राइल क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या आ गया? CN। तो ये कुछ एडिशन पॉलीमर्स थे कि ये पॉलीमर्स हैं और ये इनकी मोनोमर यूनिट्स हैं जो आपने याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं पॉलीमर्स, और यहाँ लिखेंगे इनकी मोनोमर यूनिट। सबसे पहले डेक्रोन या टेरिलीन, डेक्रोन का ही दूसरा नाम है टेरिलीन। अब इस टेरिलीन जो नाम है इसी में हमें संकेत मिल रहा है, टेरी मीन्स टेरिथैलिक एसिड, टेरिलीन, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। तो दो मोनोमर यूनिट्स इसकी हैं, एक तो होता है टेरिथैलिक एसिड, पी साइलेंट है बोला नहीं जाता, टेरिथैलिक एसिड, और दूसरा है इथाइलीन ग्लाइकोल। टेरिथैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन रिंग और अपोजिट साइड में COH, इधर भी COH, यह है टेरिथैलिक एसिड। ये थैलिक एसिड होता है अगर इस तरह ऑर्थो पोजिशन पे हो। अगर इस COH को मैं यहाँ ले आऊँ तो ये आइसोथैलिक एसिड है, यहाँ ले आऊँ तो ये क्या है? टेरिथैलिक एसिड है। तो इसमें एक तो होता है टेरिथैलिक एसिड और दूसरा है इथाइलीन ग्लाइकोल, CH2OH, CH2OH, ये है OH, CH2OH, CH2OH। तो ये जो दोनों काम वही होना है, H2O चला जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। तो ये दो मोनोमर यूनिट है किसकी? डेक्रोन की या टेरिलीन की। अब थैलिक एसिड के साथ भी, जैसे इथाइलीन ग्लाइकोल है, टेरिथैलिक एसिड के साथ बनाता है टेरिलीन, और अगर यहाँ हम थैलिक एसिड ले लें तो इससे बनता है ग्लिप्टल। तो दूसरा अपना है ग्लिप्टल, या इसको अल्काइड रेजिन भी कहते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें है थैलिक एसिड मोनोमर यूनिट और दूसरी मोनोमर यूनिट है इथाइलीन ग्लाइकोल। थैलिक एसिड क्या है आपको पता लग गया। अब ये बेंजीन रिंग है, ये COOH और लगातार ऑर्थो पे दूसरा, ये है थैलिक एसिड। इथाइलीन ग्लाइकोल क्या है? CH2OH, CH2OH। तीसरा जो अपना पॉलीमर का एग्जांपल है वो है PHBV, PHBV, इसकी एब्रिविएशन है पोली, पी से तो पोली बनेगा इसमें, पता ही है तो सभी को, बीटा हाइड्रोक्सी, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये है PHBV। इसमें क्या होता है? दो मोनोमर यूनिट अपने पास हैं, एक तो है 2-हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि 4 कार्बन वाला एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड लो, दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी यानी कि OH लगा दो, और दूसरी यूनिट क्या है? 2-हाइड्रोक्सीपेंटेनोइक एसिड। तो दो एसिड इसमें, यानी कि मोनोमर यूनिट कौन सी इसकी? एक तो है 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 2-हाइड्रोक्सीपेंटेनोइक एसिड, 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी है
पेंटेनोइक एसिड। फार्मूला कैसे लिखेंगे, ये लो भाई, ये है ब्यूटेनोइक एसिड चार कार्बन वाला, और ये क्या है पांच कार्बन कर दो, सी ओ एच वाला कार्बन भी इसके अंदर ही लेना है। ये है पेंटेनोइक एसिड, दो के ऊपर हाइड्रोक्सी यानी कि ओ एच, यहाँ भी दूसरे कार्बन पे ओ एच। अब बाकी हाइड्रोजन रह गए, यहाँ सी एच थ्री, यहाँ एच, दो बॉन्ड है यहाँ एच टू, ये सी एच थ्री, ये एच टू, दो बॉन्ड है ये भी एच टू। तो ये बनता है पी एच बी वी, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, और दूसरा क्या है बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, यानी कि टू हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड टू हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ये इसके क्या हैं मोनोमर यूनिट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपना है एक होता है ग्लाइकोलिक एसिड और एक है लैक्टिक एसिड, उससे जो बनेंगे तो पोली लगा दो पहले, यानी कि पोली ग्लाइकोलिक एसिड। तो इसकी मोनोमर यूनिट कौन सी होगी, ग्लाइकोलिक एसिड। फार्मूला क्या है, CH2 के ऊपर ग्लाइकोलिक एसिड का फार्मूला है CH2 के ऊपर OH और इधर COOH, ये ग्लाइकोलिक एसिड है। नेक्स्ट एक होता है पोली लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड का पॉलीमराइजेशन करना है लैक्टिक एसिड, बहुत बार आएगा लैक्टिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। लैक्टिक एसिड क्या होता है, सी एच थ्री सी एच, इसके ऊपर सी ओ एच और यहाँ ओ एच, सी एच है इसके ऊपर ओ एच और सी ओ एच और एक तरफ सी एच थ्री, यानी कि ये कार्बन है कारल कार्बन कहते हैं इसको, चारों अलग अलग ग्रुप हैं, कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरा ओ एच, तीसरा सी एच थ्री, चौथा सी ओ एच, इस तरह से। तो ये है पोली लैक्टिक एसिड। इसके बाद हम पढ़ते हैं नाइलॉन के बारे में, नाइलॉन की चार कैटेगरी अपने इस चैप्टर में है, नाइलॉन सिक्स, एक है नाइलॉन सिक्स सिक्स, एक है नाइलॉन सिक्स टेन और एक है नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स। तो चारों के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा होगा सिक्स, चलो जो भी है, पहला है नाइलॉन सिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन मार्क का क्वेश्चन याद रखना है। नाइलॉन सिक्स की जो मोनोमर यूनिट है इसका नाम है कैप्रोलेक्टम। बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ नाइलॉन सिक्स, तो उसकी मोनोमर यूनिट कौन सी है, कैप्रोलेक्टम। और ये कैप्रोलेक्टम क्या है, इसका फार्मूला है सी एच टू है फाइव टाइम्स, ये है सी ओ, ये है एन एच, ये है कैप्रोलेक्टम। और ज़्यादा इसका फार्मूला लिखना चाहो, देखो ऐसे चलना आपने, सी एच टू एक, सी एच टू दो, सी एच टू तीन, सी एच टू चार, सी एच टू पाँच, पाँच पूरे हो गए, अब एन एच सी ओ, इनको जोड़ दो वापस में, तो ये क्या हो गया कैप्रोलेक्टम। ये आसान है, इसी तरह आप याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सी एच टू फाइव टाइम्स है सी ओ और एन एच, ये है कैप्रोलेक्टम। किसकी यूनिट है, नाइलॉन सिक्स, यानी कि एक ही मोनोमर यूनिट है इसमें। दूसरा है नाइलॉन सिक्स सिक्स, तो ये तो दो बार पहले भी आ चुका है, आपको याद होगा एक्सा मिथाइलिन डायमीन, मिथाइलिन क्या था सी एच टू, एक्सा मिथाइलिन डायमीन, अब पूरा नाम नहीं लिख रहा फॉर्मूला लिखता हूँ केवल, एक्सा मिथाइलिन डायमीन, और दूसरा कौन सा था एडिपिक एसिड, दो सी ओ एच थे, छः करने थे हमने, तो चार तो ये हो गए, पाँच और छः कार्बन हो गए, इसलिए सिक्स सिक्स नाम रखा है कि दोनों मोनोमर यूनिट में सिक्स सिक्स कार्बन है इसमें। नेक्स्ट नाइलोन सिक्स टेन, तो एक मोनोमर यूनिट में सिक्स कार्बन एटम्स हैं, दूसरे में टेन होंगे, तो इसकी मोनोमर यूनिट, ये पहले नहीं आया तो अब पूरा लिखता हूँ इसको, हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन, ये जो ऊपर है एक तो मोनोमर यूनिट है ये, और दूसरी है सिबेसिक एसिड,
सिबेसिक एसिड। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन का फार्मूला CH2, ये हेक्सामिथाइलिन होगा, डाइअमीन NH2, इधर भी NH2। सिबेसिक एसिड में क्या है, 10 करने हैं हमने, तो क्या करोगे, पहले तो COOH दो तो ये चाहिए, NH2 के साथ ये रिएक्ट करेगा, NH2 के साथ ये करेगा। अब 10 हमने करने हैं तो कर दो, कितने बच गए, 8 बच गए, तो CH2 8 टाइम्स कर दो। अब एक और टाइप का नाइलॉन है जिसे कहते हैं, तीन टाइप के हो गए नाइलॉन 6, एक ही मोनोमर यूनिट है कैप्रोलेक्टम, 6-6 के ये दोनों हैं। 6-10 में क्या है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और सिबेसिक एसिड। और लास्ट है नाइलॉन के टाइप का, लास्ट है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, जिसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है ग्लाइसिन और दूसरा होता है अमीनो कैपोरिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। और इसकी मोनोमर यूनिट कौन कौन सी हैं, एक तो है ग्लाइसिन प्लस, दूसरी यूनिट का नाम है अमीनो कैपोरिक एसिड। ग्लाइसिन क्या है, एंड CH2 के साथ COOH और यहाँ है NH2, यानी कि NH2 CH2 COOH, ये है नाइलॉन की पहली यूनिट, नाइलॉन 2-6 की ग्लाइसिन। और अमीनो कैपोरिक एसिड क्या है, 6, यानी 6 कार्बन होने चाहिए, तो कैसे होंगे 6, NH2 और COOH, इसी के बेस को ये तो हमने ले लिया। अब कितने और बच गए, उतने कर दो CH2, तो एक कार्बन आ गया, 5 और चाहिए तो 5 ही हो जाएंगे। तो यह है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, जिसमें है ग्लाइसिन अमीनो कैपोरिक एसिड, ये चार टाइप्स के अपने इस चैप्टर में है नाइलॉन। अब बच गए तीन, जो मेन है बेकेलाइट मेलेमाइन यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड तो तीनों में कॉमन है, इनमें दूसरी जो यूनिट है वो चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट कौन सा अपना, 10th, पहला है बेकेलाइट, जो क्या था, बेकेलाइट मेलेमाइन यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये एग्जांपल किसके थे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के थे, जो बार बार मंचा रूप नहीं दे सकते थे। तो बेकेलाइट की मोनोमर यूनिट कौन कौन सी हैं, दे आर फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये इसकी मोनोमर यूनिट है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल क्या है, बेंजीन के ऊपर OH, फिनाइल अलग होता है, फिनाइल में तो क्या करते हैं, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, C6H5 होता है। तो फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड क्या है, HCHO, इन दोनों से मिलकर बनता है बेकेलाइट। नेक्स्ट है मेलेमाइन, इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो कौन सी है, मेलेमाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड, मेलेमाइन क्या है, इसका फार्मूला होता है C3H6N6, गौर फरमाइएगा, ये एक आधी बुक में भी गलत दिया हुआ है। और फॉर्मल्डिहाइड क्या है, HCHO, ये कैसे बनाएंगे, ये बनता है ऐसे, N, फिर यहां है कार्बन, यहां भी है कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ है NH2, इससे भी जुड़ा हुआ है NH2, फिर यहाँ फिर नाइट्रोजन, यहाँ फिर नाइट्रोजन, यहाँ फिर कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ है NH2, ये कार्बन है, ये है, ये है, यहाँ से तीन NH2 जुड़े हुए हैं, तो तीन तो नाइट्रोजन ये हो गए, तीन ही हो गए, छह हो गए नाइट्रोजन, 2, 4, 6, 6 हो गए हाइड्रोजन, और अल्टरनेट इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, ये होता है मेलेमाइन। इस मेलेमाइन के साथ फॉर्मल्डिहाइड मिलाते हैं तो क्या बनता है, मेलेमाइन, ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और लास्ट है अपना यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, आसान सी बात है, इसमें एक तो यूरिया है
मोनोमर यूनिट कौन से होंगे, यूरिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड तो हमें पता ही है क्या है, HCHO। यूरिया क्या होता है, यूरिया है NH2CONH2। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। तो ये अपने थे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो हमने पढ़े एडिशन और कंडेंसेशन, जितने इस चैप्टर में हैं लगभग सारे इसमें हमने इंक्लूड कर लिए हैं। ये कंक्लूजन है पूरे चैप्टर का कि मोनोमर यूनिट क्या क्या हैं इन पॉलीमर्स की।